सो वेलकम बैक। देखिए, अगर आपने एनपीएस अकाउंट अपना ओपन किया है और आपको वेट है कि भाई मेरा पैन कार्ड कब आएगा, तो देखिए ये जो पैन कार्ड है आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से आपके घर के एड्रेस पर आता है। बाकायदा जैसे आपका पैन कार्ड आता है उसी तरीके से ये पैन कार्ड भी आपका उसी तरीके से आता है, एक लिफाफे में आता है और उसके संग आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये कितने दिनों के अंदर आपके घर के एड्रेस पर आता है। तो देखो, जिस दिन आप एनपीएस अकाउंट खोलोगे उससे 2 हफ्ते के बाद, मतलब कि जैसे कि आज है हमारी 16 तारीख, 16 तारीख को आपने अकाउंट खोला, तो अगली 1 तारीख या 2 तारीख तक आपका ये जो पैन कार्ड है वो आपके घर के एड्रेस पर आएगा। ये आपके आधार कार्ड के एड्रेस पर ही आएगा जो आपने वहाँ पर एड्रेस डाला होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये आप ही के हाथ में दिया जाएगा, मतलब जिसने अप्लाई किया है, जिसका जिसके नाम से ये पैन कार्ड आ रहा है उसी के हाथ में ये पैन कार्ड दिया जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि आप ये अपना हिसाब लगा लें कि भाई 2 हफ्ते बाद मैं कहाँ रहूँगा, तो उस हिसाब से आप मैनेज करके अपने उस एड्रेस पर मौजूद रहें ताकि आपको ये पैन कार्ड मिल सके। नहीं तो दोस्तों ये वापस हो जाता है, फिर दिक्कत आती है। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों और है कि अगर आप बाई चांस इस पैन कार्ड को खो देते हो, गलती से आपसे कहीं ये गिर जाता है, बाई चांस कहीं खो जाता है, तो उस केस में देखिए यहाँ पर साफ से लिखा हुआ है कि 40 रुपये का यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा, तो 40 रुपये का यहाँ पर चार्ज आपका लगेगा दोबारा से इस पैन कार्ड को मंगाने के लिए। ठीक है, तो ये पैन कार्ड आप खोना मत कहीं पर, और इन केस अगर खो जाता है तो 40 रुपये में वापस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, छोटी सी वीडियो थी, बस यही बताना था मुझे। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है तो। इसके अलावा अगर कुछ पूछना है आपको एनपीएस के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।